नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबके लिए गर्मी और सर्दी के जैसे अलग अलग कपड़े होते हैं। जो हम कपड़े गर्मी में पहनते हैं, वो कपड़े अगर हम ठंड में पहन लें तो मर ही जाएं, इसलिए ठंड के कपड़े अलग होते हैं। इसी तरह आप सबको पता होगा कि कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो केवल विंटर में आते हैं, और ये इसलिए आते हैं क्योंकि हमको इनको खाना चाहिए। जैसे हमारे शरीर को स्वेटर ठंड से बचाता है, उसी तरह ये फ्रूट हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। अब बहुत सारे फ्रूट हैं, आपको रोज खाना है, इतने सारे तो नहीं खा पाएंगे। तो हमको इनका क्या करना है और कैसे बनाना है, इन फ्रूट में हमको और क्या क्या ऐड करना है, वही आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस एक गिलास ये चीज बनाइए और पी लीजिए। आप खुद पिए, अपने बच्चों को पिलाएं, स्पेशली अपने बच्चों को जरूर पिलाएं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनको पिलाएं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से रेगुलर इसका यूज कर रहे हैं तो बीमारियों से तो कोसों दूर रहेंगे और डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएंगे, और आप भी स्वस्थ रहेंगे, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखेंगे, साथ ही साथ घर के बुजुर्ग भी स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए, आज हमने ले लिए हैं बहुत सारे फ्रूट्स, और ये सारे फ्रूट सीजन में आते हैं, सीजनल फ्रूट है। तो हमने ले लिया है जामफल, जिसको अमरूद बोलते हैं, इसी के साथ गाजर ली है। गाजर का एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी। आंवला मैंने एक पीस लिया है, चार एप्पल ले लिए हैं, और इसी के साथ मैंने संतरा लिया, चुकंदर लिया, और ये देखिए गाजर मैंने जो ली है ना, वो काली वाली है। और इसी के साथ एक गाजर आती है जो हम रेगुलर यूज करते हैं, हलवा बनाते हैं, इस तरह की लाल गाजर। तो जब भी आप ये रेसिपी बना रहे ना, तो इसमें हो सके तो ये काली गाजर का ही यूज करें, क्योंकि काली गाजर जूस की गाजर होती है। अगर ये काली गाजर नहीं मिल रही, तब जाके आप लाल गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ फ्रूट लिए हैं, इसमें से आपके पास जो भी फ्रूट मिल रहे हैं या फिर घर पे रखे हैं, सारे फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें जिस फ्रूट में ज्यादा जूस होता है उनका यूज करें। तो देखिए मैंने अमरूद ले लिया है, गाजर ले ली, एप्पल ले लिया, इसी के साथ हमने एक बीट रूट लिया है, और ये दो ले लिए हैं संतरा, इसी के साथ एक आंवला ले लिया है। और मेरे घर में गार्डन है, तो गार्डन में ये पुदीना लगा था, तो मैंने केवल फ्रेश फीलिंग के लिए ये मिंट की कुछ ताजी पत्तियां तोड़ के ले ली हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीजों को धो लेते हैं। अगर आप किसी वजह से ब्रेकफास्ट करना स्किप कर देते हैं, या फिर कहीं आने जाने की जल्दी है, उस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा क्या बनाएं, तो आप ये फ्रूट पंच बना सकते हैं, और ये बहुत सारे फ्रूट से मिलके बना होता है। तो अगर आप 2-3 घंटे तक ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं, तो ये बहुत यूजफुल चीज है और बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो चलिए हम सारी चीजों को अच्छे से धो के चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे फ्रूट चॉप कर लिए हैं, कुछ फ्रूट छीलने लायक थे, जैसे बीट रूट, गाजर, ऑरेंज, तो इन सारी चीजों को हमने छील लिया है। अब हमने ले लिया एक मिक्सी का जार, और इसी जार में ये सारे फ्रूट एक साथ ऐड कर देंगे। तो आप कोशिश करें जो जार का नीचे का साइड है ना, जब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट डालना, उस टाइम पे आप जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं जिससे जूस ज्यादा निकलता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, या फिर ग्रेप्स हो गए, बनाना हो गया, ये सारी चीजें आप जार के तली में डालें। इसके बाद ऊपर थोड़े हार्ड वाले फ्रूट ऐड करें, जिससे कि फ्रूट आसानी से पिस जाएंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और थोड़ा पहले पल्स मोड में ही चलाएं, जिससे कि फ्रूट आसानी से पिसेंगे। अब हमने देखिए मिंट की पत्तियां भी धो के रख ली थी, उसको डाल दिया। अब हमने लिया है 1 टीस्पून काला नमक, और बस अब हमको क्या करना है, हमको कैप करनी है बंद, और अब हमें ये फ्रूट पंच बनाना स्टार्ट कर देना है। तो ये मैंने मिक्सी ऑन कर दी, और देखिए कैसे लाल लाल दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है पूरा खून की मशीन है ये। और ये देखिए मैं बनाना अभी ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने एक पीस ये बनाना छील के ले लिया है, और अभी ये फ्रूट पंच बना नहीं है, तो मैंने ये बनाना भी ऐड कर दिया। अब हमको अच्छे से पीस लेना है, इसमें गांठ वगैरह नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए कितनी जल्दी से पिस गया है, पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पानी डाल के पीस देंगे तो फिर इसमें फीकापन आ जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जूस बना दिया, तो जूस अलग है, फ्रूट पंच बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये देखिए कितने अच्छे से पीस गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे खा सकते हैं या फिर पी सकते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। आप मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए सच में एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हमने
फ्रूट पंच बना लिया। इसका कलर आप देख ही सकते हैं, हमने इसमें काली गाजर का यूज किया था। काली गाजर अंदर से एकदम रेड होती है और इसी के साथ हमने बीट रूट का भी इस्तेमाल किया था। तो ये देखिए कलर बहुत अच्छा आया है, हेल्दी तो है ही। फ्रूट पंच को अब हम सर्व कर लेते हैं और आप इस फ्रूट पंच को खा सकते हैं, पी तो सकते नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसमें पानी हमको मिलाना नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरह ग्लास में डाल देना है। इसी के साथ हमने ये जो फ्रूट पंच बनाया ना, इतने सारे हमने फ्रूट लिए तो हमारा 3 ग्लास फ्रूट पंच बनके तैयार हो गया है। और देखिए आपको मैं पास से दिखा रही हूँ कितना कलरफुल बना है। और सच में आप अगर इसको पियेंगे, भर भर के खून बनेगा, हीमोग्लोबिन की कभी भी कमी नहीं आएगी। और ठंड में तो फ्रूट खाना भी चाहिए, और ये सारे फ्रूट आपको बिल्कुल स्वस्थ रखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये फ्रूट पंच एक गिलास में डालना है, इसी के साथ लेना है 1 चम्मच। स्पून की हेल्प से ही आपको फ्रूट पंच एंजॉय करना है। गार्निश के लिए मैंने मिंट की कुछ पत्तियां ग्लास के ऊपर रख दी हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में पत्तियां काट के फ्रूट पंच में मिला सकते हैं। वैसे हमने मिंट डाला है तो इसमें ऑलरेडी मिंट की खुशबू है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी पूनम आपसे बहुत जल्द मिलेगी एक नए वीडियो और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। टेक केयर एंड बाय।